नंद संत फकीर करो आनंद संत फकीर करो जैसे आनंद संत फकीर करो वो आनंद नाही फकीर आनंद संत फकीर सुख दुख में समता साथ रहे सुख दुख में समता साथ रहे सुख दुख में समता साथ रहे दुख दुख में समता साथ रहे फिर खौफ नहीं आनंद संत फकीर आनंद नाही अमीरी आनंद संत फकीर आदमी सामर्थ्यवान है इसलिए सारी भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर सकता है कैसे करंट आ रहा बजा गए इसमें वो अच्छे से अच्छा मकान बना सकता है महंगी से महंगी गाड़ी अपने घर के आगे खड़ी कर सकता है दुनिया में सबसे महंगे कपड़े पहन सकता है अच्छे से अच्छे जूते पहन सकता है स्वयं को बहुत सुंदर दिख बना के रख सकता है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। मेरा एक प्रश्न है एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर एक आलिशान महल बनाया उसमें बहुत सुंदर अपना शयन कक्ष अपने सोने का जो कमरा है वो बनाया मैं आपसे पूछता हूं कि बहुत सुंदर महल है बहुत सुंदर शयन कक्ष है वो तो उसने बना दिया उसके अंदर बहुत सुंदर एक एसी लगा दी बहुत अच्छा एक पलंग लगा दिया मेरा प्रश्न ये है कि इतने सुंदर मकान तो वो व्यक्ति बना सकता है लेकिन उस सुंदर मकान में उस शयन कक्ष में उसको नींद बहुत अच्छी आएगी या ना आएगी इसका फैसला वो व्यक्ति नहीं कर सकता है उसमें अच्छी तरह से उसको सुख भर नींद आएगी ये बात तय नहीं है बाकी मकान बना सकता है तो साधु जन हद से पते साधु जन हद से तपे बेहद तपे एवो पीर हद बेहद दोनों तपे तो उसका नाम फकीर फिक्र सब तो खा गई बाबूजी चिंता चिंता में करोड़ों लोग चले गए बस चिंता टेंशन में फिक्र सब तो खा गई निफिक्र है सबकी पीड़ फिक्र सबको खा गई और फिक्र है सबकी पीड़ अरे फिक्र की अरे फिक्री की फाकी करे तो उसका नाम फिक्र की फाकी करे तो उसका नाम फकीर तो हर रंग में सेवक रूप रहे हर रंग में सेवक रूप रहे जो अमृत जल का कूप रहे हर रंग में सेवक रूप रहे जो अमृत जल का कूप रहे सत्य करीब I'm
को गुस्सा कभी नहीं आता। निशी क्रोधी बने जब मैं बिछड़े रहे वो तेरी उन भी दिले आनंद संग कभी बिछड़े मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ ले शब्द की तरफ ध्यान देना, बड़ा आनंद आएगा। शब्द प्रदान जग कारण कारण दे हर संतोष ही आते हर युग में, हर युग में किसी न किसी रूप में भगवान इस धरती पर आए हैं। जग कारण कारण दे हर सत सेवा करे, सत सेवा करे जग पाप हरे। सत कारण सत तारण कारण दे हरे, सत ते सत सेवा करे, सत सत सेवा करे जग पाप हरे। और संतों का काम क्या है? ओ जिज्ञासु के धरती में प्राण भर, जिज्ञासु के धरती में प्राण भर, सत्यवाणी सदा मुख से उचिले, सत्यवाणी सदा मुख से उचिले। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे। एक संत हुए बाबू जी, बाड़मेर जिले में, बाड़मेर से जब पाकिस्तान की दिशा में एक तहसील है चौहटन, वहां पे एक बहुत महान संत हुए डूंगरपुर जी महाराज, उनका नाम हुआ। उन्होंने लिखा कि बर्तन जोए वस्तु दीजिए, बर्तन बर्तन जोए वस्तु दीजिए, जैसा पात्र है वैसा। आपको पता शेरनी का दूध किसमें लाया जाता है? शेरनी का दूध सामान्य पात्र में नहीं लाया जा सकता, उसमें रहेगा नहीं। शेरनी के दूध लाने के लिए सोने का पात्र चाहिए। तो बर्तन जोए वस्तु दीजिए, जरो ईर को लाओ, जरो अड़े सो लाओ। तो जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, जो व्यक्ति ये सब कुछ सुनना चाहता है उसके लिए ये है। बाकी यहां नहीं होते आप तो मेरी भजन नहीं गाता। यदि आप यहां विराजमान नहीं होते तो मैं ये भजन नहीं गाता, क्योंकि मुझे पता है कि इसको सुनना, कम से कम आप लोग सब तो सुन रहे हैं, लेकिन जिनको मुझे सुनाना है इसलिए मैं गा रहा हूं। तो जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे और सत्य वाणी सदा मुख से उचरे, झूठ कभी नहीं होता। और शरीर रिप को रंग तले वश में करे, शरीर रिप का मतलब, शरीर रिप का मतलब जो अंदर में एक हर व्यक्ति के मन में एक उसका दुश्मन बैठा है, हर 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 व्यक्ति के मन में एक उसका दुश्मन बैठा है जो उसको गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है, हर व्यक्ति के मन में होता है। लेकिन जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाती है तो वो जो अंदर का दुश्मन है उसको दबा दिया जाता है, और जिसके संतों की कृपा नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं पलटता रहता है, कहीं घुड़कता रहता है, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। शरीर को बस कर रंग में रंगे, और
रहे वो सदा सूर्य की दी में आनंद संतोष की करो उस आनंद नाही अमीरी में आनंद संतोष सतबोध जगत में आय कहे सत मार्ग को देखी लाय कहे सत देखिए ये एक भजन है और एक भजन में पूरा ग्रंथ है। सतबोध जगत सतबोध का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को करना क्या चाहिए वो संत बताएंगे। हमको जब पता नहीं है कि हमको कौन सी दिशा में जाना है हमको क्या करना है हमको जब ये समझ में नहीं आता कि मैं इधर जब देखिए एक शब्द है द्वंद एक शब्द है द्वंद हिंदी शब्द द्वंद का मतलब होता है कि कई बार हमारे मन में ऐसा ख्याल उपजता है ये करूं या ना करूं करूं या ना करूं और उस चक्कर में ऐसी स्थिति हो जाती है। एक वैज्ञानिक विज्ञान में एक बीमारी ट्यूमर बोलते हैं जिसको ब्रेन ट्यूमर। बाप जी मैंने पढ़ा है कि मैक्सिमम ब्रेन ट्यूमर जो होता है व्यक्ति को वो द्वंद के कारण से होता है। जो व्यक्ति फैसला नहीं कर पाता उनके निश्चित रूप से ब्रेन ट्यूमर होता है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर से कोशिकाएं बहुत तेज गति से पनपती है और वो ज्यादा सोचने से फिर वो धीरे धीरे वो एक विज्ञान का कारण भी है। तो द्वंद नहीं होना चाहिए फैसला हो जाना चाहिए या तो या इधर या फिर इधर। ऐसा नहीं कि करो कि नहीं करो उस चक्कर में जिंदगी निकल जाती है फिर पछतावा रहता है कि यार मैंने तो किया ही नहीं जिंदगी निकल गई। तो सत बोध जगत में आय कहे सत मार्ग को दिखलाय कहे सत बोध जगत में आय कहे सत मार्ग को दिखलाय कहे गुरु ज्ञान से पद के गुरु ज्ञान से पद के ये शब्द है मौज करे। मौज जब व्यक्ति कर सकता है जब उसका कोई भी प्रकार का बैरी दुश्मन ना हो जब आदमी भय मुक्त हो जिसको किसी का भय ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार बड़बड़ कुछ बोल देते हैं अगला व्यक्ति हमारा दुश्मन बन जाता है लेकिन संतों का कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं मर जीवा बने जिव्या तो ऐसा कंट्रोल में करके बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो सत्य के अलावा कुछ नहीं होता है। मर जीवा बने और मौज करे रहे अलमस्त हमीरी में आनंद संतोष की सुख की करे न चाहना सुख दुख में समता साथ रहे कैसे सुख की करे न चाहना दुख में रखे मन धीर
ना चाहना सुख की कभी चाहना सुख की करे ना चाहना सुख की कभी चाहना नहीं है। एक मजाक विशाल मेडिकल हमारे बाबा जी ने एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक है नंदलाल जी बाबा जी नाम है उनका, वो संत जैसे रहते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर एक रचना लिखी, उसमें एक पंक्ति है सुंदर सपने। देखिए संतों के लिए क्या है, सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले मुख मोड़ चले। सुंदर कि मेरा ये होगा मेरा वो होगा मेरा ये होगा मैं यू करूंगा मेरे पास ये होगा धन होगा, ये सपने नहीं। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले मुख मोड़ चले, वैभव महलों का क्या करना सोते सुख से आकाश तले, और साधन की ओर ना ताकेंगे कांटों की राह हमारी है मन मस्त फकीरी दारी है अब एक ही दिन जय जय भारत। तो सुख की करे ना चाहना सुख की करे दुख में डरते मन भी थना धरे सब फंद को थना थना करे सब फंद को तो उसका नाम उसका नाम तो सुख दुख में समता सुख दुख में सुख दुख में समता साथ दे तुझे खौफ नहीं जाती दी आनंद संत फकीर करे उस आनंद नहीं अमीरी दे आनंद संत फकीर आनंद संत फकीर करो जो आनंद संत फकीर करो। बोले सत्यगुरु।